गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2 ऑफ मैकेनिकल 5th सेमेस्टर। आज असी पढ़न जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स बारे। थर्मोडायनेमिक्स की होंदी है? थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड्स के नाल बनी है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। जिस थर्मो का मीनिंग है हीट, डायनेमिक्स का मीनिंग है मोशन। मतलब कि हीट ताड़ी मोशन च है, फ्लो च है। थर्मोडायनेमिक्स डील करती है फ्लो ऑफ हीट, कि ताड़ी हीट एक बॉडी तो दूजी बॉडी च किदा फ्लो करती है, गर्म बॉडी तो ठंडी बॉडी च हीट किदा फ्लो करती है। सो थर्मोडायनेमिक्स इज दिस ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद दी फ्लो ऑफ हीट, द साइंस ऑफ एनर्जी दैट कंसर्न विद दी वेज इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड विद इन ए बॉडी। कि एक बॉडी के विच ताड़ी एनर्जी केड़ी फॉर्म च स्टोर है, जे हीट की फॉर्म च स्टोर है, फॉर एग्जाम्पल इलैक्ट्रिसिटी की फॉर्म च स्टोर है, मकैनिकल की फॉर्म च स्टोर है, इलैक्ट्रिसिटी की फॉर्म च स्टोर है, हीट की फॉर्म च स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म च स्टोर है। सो इट ऑल कम्स अंडर द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक फंडामेंटल लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, जिहड़ा तुसी छोटियां क्लासां च पढ़िया होना, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटिड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि जिहड़ी तुहाडी एनर्जी है वह ना तो पैदा होंदी है ना उहनूं असीं खत्म कर सकते हैं, वह सिर्फ एक बॉडी तो दूजी बॉडी च ट्रांसफर हो जाती है, एक फॉर्म तो दूजी फॉर्म च। फॉर एग्जाम्पल जे मकैनिकल एनर्जी असी हीट एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, मकैनिकल एनर्जी असी इलैक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर उन्होंने आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाँ जी, नैक्सट टॉपिक इज सिस्टम सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री। सिस्टम की होंदा? सिस्टम होंदा एक बॉडी जिहदे च मैटर स्टोर है, फॉर एग्जाम्पल हीट स्टोर है, मास स्टोर है। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स जो ताडे आले दुआले एयर प्रेजेंट है, एटमोसफेयर प्रेजेंट है, उन्होंने कहते हैं आप सराउंडिंग्स। बाउंड्री, बाउंड्री जिहड़ी ताडे सिस्टम नू कवर करती है, जिहदे अंडर सिस्टम आंदा। इट इज़ ए रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सैपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। एक बाउंड्री है जिहड़ी सिस्टम नू सराउंडिंग तो सैपरेट करती है। हाँ जी, अगला टॉपिक आ जाता टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहला असी डील करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम नाम तो ही पता लग रहा है, आइसोलेट का मतलब होंदा किसी चीज़ नू वखरा कर देना, एक सैपरेट सिस्टम जिहदे विच ना तो मास ते ना एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। सिस्टम च जिहड़ा मास प्रेजेंट है या हीट प्रेजेंट है वह बाउंड्री नू क्रॉस नहीं कर सकती। एग्जाम्पल दिती हुई है कि कॉफ़ी इन ए क्लोज्ड वैल इंसुलेटेड थर्मोस बॉटल। थर्मोस चो आप गर्म चीज़ फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी पाने हैं, वो दी हीट ना तो बाहर जा सकती है ना बाहरली बाहरला टेंपरेचर अंदर आ सकता। सो अंदर जिहड़ी जे अंदर गर्म कॉफ़ी है तो गर्म ही रहेगी, जे ठंडा पानी है तो पानी ठंडा ही रहेगा, बाहरला एटमोसफेयर या बाहरली हीट उन्हें इफेक्ट नहीं करती। सो इस टाइप के सिस्टम नूं आपां कहिंदे आ आइसोलेटेड सिस्टम। सैकेंड टाइप ऑफ सिस्टम इज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड मतलब बंद सिस्टम, इहदे च सिर्फ ताडी एनर्जी बाउंड्री तो आर पार जा सकती है, एनर्जी हीट एनर्जी अंदरों बाहर जा सकती है तो बाहरों अंदर फ्लो कर सकती है, तो जिहड़ा मास है वह नहीं क्रॉस कर सकता। ओनली हीट एक्सचेंज हो सकती है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, मास नहीं एक्सचेंज हो सकता। फॉर एग्जाम्पल एक कप च चाह या कॉफ़ी रखी है, वो हीट ऑब्वियस जी गल है, हीट उन्हें बाहरला टेंपरेचर अपनाना, अपनी हीट लूज़ करनी है, अपनी हीट बाहरले टेंपरेचर नू देनी है, एटमोसफेयर नू देनी है। सो ओनली हीट एक्सचेंज हुई, जिनी अमाउंट सी अंदर कप चाह का कप भरया वो उन्ना ही रहना, वो मास नहीं एक्सचेंज होया, वो मास सेम रहा, ओनली एनर्जी एक्सचेंज हुई। थर्ड सिस्टम जिन्हों आप ओपन सिस्टम कह दें,
ओपन नाम तो ही पता लग रहा है, मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, मास भी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है, हीट भी एक्सचेंज हो सकती है, अंदरों बाहर जा सकती है, बाहरों अंदर आ सकती है, मास भी एक्सचेंज हो सकता है, अंदरों बाहर जा सकती है, बाहरों अंदर आ सकता है, ठीक है। एक ओपन कप ऑफ कॉफ़ी, हीट का एक्सचेंज का तुम्हें पता ही है, मास इतना एक्सचेंज हो रहा है, जिहड़ी भाप बन के उड़ रही है कॉफ़ी चो बाहर एटमोसफेयर च जा रही है, वह मास एक्सचेंज हो रहा है, कॉफ़ी के कप चो मास एक्सचेंज हो रहा है आउटर एटमोसफेयर ना। सो यह सी अज का लैक्चर थर्मोडायनमिक्स की इंट्रोडक्शन से। अज असी पढ़िया थर्मोडायनमिक्स की होंगी है, अगों सिस्टम सराउंडिंग्स की होंगे है, सिस्टम किन्ने तरह के होंगे है, तीन तरह के सिस्टम होंगे है, आइसोलेटेड क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम, किदा वर्किंग है उन्होंने। जे किसी बच्चे की कोई क्वायरी हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, जे ना कुछ समझ लगा हो, कमेंट सैक्शन च कमेंट करके जरूर दस्सो। थैंक यू।